प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें ये एक सुंदर दिन दिया है मेरे प्रिय लोग, इस अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। 2022 रविवार को हालेलुया हमें परमेश्वर ने अपनी दया से हमें एक साथ उनकी आराधना और स्तुति करने का मौका दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहे, हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे रात भर अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमारे पिता ने हमें जो अच्छा अवसर दिया है आज के दिन, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हमें आज के दिन हाथ पकड़कर अपने विश्वास योग्यता से चलाते हैं, जयवंत हमें चलाते हैं यीशु मसीह में हर समय, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया, आज के दिन भी प्रभु हमें जयवंत चलाते हैं, जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। फिर से कहे, हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। जैसे संगीतकार भजन संहिता 126 में कहते हैं, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। मेरे प्रिय लोग, ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। परमेश्वर जो कार्य करते हैं, उनका जो हाथ है वो अद्भुत हाथ है। हालेलुया, वो अद्भुत मंत्री है। वो हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वो हमें स्वप्न देखने वालों से हो जाते हैं। हालेलुया, जैसे यहाँ पे लिखा है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे बीच में आज के दिन, इन दिनों में ऐसे ही परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे अद्भुत कार्य हो और लोग कह सके कि इनके बीच में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, यहोवा ने बड़े बड़े काम इनके लिए किया है, इसलिए हम जय जयकार करें। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसके लिए हम क्या करें, आनंद करें, जय जयकार करें। हालेलुया, स्तुति करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने आरोग्य से बल के साथ हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हमें अद्भुत तरीके से हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आज के दिन हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हालेलुया, आपने जो भी आशीष दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने जो हमें चलाया है, आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन हर समय प्रभु आप हमें अपनी दया से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु रात को भी प्रभु आपने हमें संभाले रखा, आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज भी आप हमें हाथ पकड़कर जयवंत हमें चलाते हैं, आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके जीवन में पिता आप अद्भुत कार्य करें, स्वप्न जैसे ऐसा लगे प्रभु कि आपने ऐसा असाधारण कार्य किया है। हालेलुया, प्रभु आपने ऐसे अद्भुत कार्य किया है, ऐसे बड़े बड़े काम किए, उनकी जाति जाति जो भी उनके चारों तरफ है, हर एक पड़ोसी अभी देख सके। हालेलुया, आप ऐसे जो बड़े काम हमारे लिए करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से पीड़ित चंगाई प्राप्त करे। हर एक रोग की अवस्था से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। एलर्जी से यीशु मसीह के नाम से आज के दिन पूर्ण छुटकारा मिले। एलर्जी का स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया, किसी भी तरीके का एलर्जी हो, वो खाने से हो या मौसम से हो या कपड़े पहनने का, कोई भी किसी भी तरीके का एलर्जी हो, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से उनको चंगाई मिले, पूर्ण छुटकारा मिले। हालेलुया, आपने समाधान से उनके शरीर में, उनके जीवन में आपने भर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो घाव जो सूख नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो घाव सूख जाए,
पूर्ण चंगाई उनको मिले। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं, पूर्ण आरोग्य और चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया प्रभु, कल की सभा को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो सके हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में आप बड़े कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, कल शाम को इंडियन समय 9:30 हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके लिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आज से ही प्रार्थना करना शुरू करें, अपने प्रियजनों को बताने के लिए आप तैयार हो, और उनको फोन करें या उनको मैसेज करें कि आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया, आप सब लोग कम से कम एक और नए व्यक्ति को कल के सभा में आप भागी बनाए। हालेलुया, परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेंगे, एक बड़ा एक रिवाइवल की ओर परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, इसलिए इन दिनों में हम प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आइए वचन की ओर देखेंगे, पहले शमूएल की किताब 1 और उसका 27वां वचन, उसमें लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया, यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्रिय लोग, जो प्रार्थना की थी वो यहोवा ने मुझे वह जो मुंह मांगा वर दिया। हालेलुया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना जो स्त्री थी वो वहाँ के जो पुरोहित थे उनसे जो बात की उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया, ये कहानी हम अच्छे से जानते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि एल्काना एक व्यक्ति, उनके एक पत्नी थी हन्ना, लेकिन दूसरी जो पत्नी जो पेनीना थी उनको बच्चे थे लेकिन हन्ना को नहीं थे। तब वो निरंतर ऐसे प्रार्थना करती थी हन्ना, हालेलुया, कि वो रोज जाके वहां पे, या जब भी उनके पति जाते थे कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए, तब वो भी वहाँ पे जाके वो एक बार प्रार्थना करती है। हालेलुया, वो अपने मन्नत वहाँ पे रखती है, मेल बलि जब चढ़ाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रोती रहती है, और वहाँ पे जब रोती रहती है उसके प्रार्थना देख के उसको ऐसा लगता है कि ये अब क्या, ये ऐसे बिलक बिलक कर जब रोते हुए देखा तो वहाँ पर वहाँ एली जो पुरोहित है उनको ऐसा लगा कि वो वहाँ पे पी के आई है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम वहाँ पे देखते हैं कि बाद में जब हन्ना बताती है कि क्या कारण से वो रो रही होती है, वो ना ही नशा उसने किया है, तब वहाँ पर एली उसको आशीष देते हैं कि तुम अगले साल तक तुम्हें बच्चा होगा करके, और वही आशीष के कारण वो वहाँ पर जब वापस आती है, हालेलुया, वो बच्चे के साथ कि और पुरोहित के सामने वो खड़े होके बोलती है ये 27वां वचन कि यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया, यही वचन आपके जीवन में भी पूरा हो। मेरे प्रिय लोग, आपने जो भी प्रार्थना किया, आपका जो भी विषय था, आपके बच्चे नहीं थे आपको बच्चा दिया, आपको नौकरी नहीं था आपको नौकरी दिया, आप जो रोग में थे रोग से आपको छुटकारा दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत और आश्चर्य गवाही आपके जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आपकी जीवन में ऐसे प्रवृत्ति करेंगे, उसके लिए धन्यवाद, आमेन आमेन आमेन। जिस तरीके से एली ने उनसे कहा था कि समाधान के साथ जाए, जो इसराइल के परमेश्वर से जो अपेक्षा की वो तुम्हें मिले। हालेलुया, 17वां वचन कहता है, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया, और इसलिए आपने भी जो प्रार्थना की है, आपके उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर मन चाहा वर देंगे। हालेलुया, और हम इसलिए में जैसे कि पढ़ते हैं कि उसका चेहरा फिर उदास ना रहा। हालेलुया आमेन। फिर हम देखते हैं कि वो एक साल बाद उसको एक पुत्र हुआ। हालेलुया, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया, और फिर वो वहां पर आती है प्रति वर्ष मेल बलि चढ़ाने के लिए, और उस समय फिर से मन्नत पूरी करने के लिए जब वो अर्कना के साथ जाती है, तब वहां पर परमेश्वर के सामने वो रखकर वहां पर एली से वो कहते हैं। हालेलुया आमेन। इसलिए हम धन्यवाद दे, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर करेंगे। हालेलुया आमेन, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। अगर हम भजन संहिता
56 में अगर हम देखें तो उसमें ऐसे लिखा है कि हमारा परमेश्वर कौन है मेरे प्रिय लोग, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हमारे परमेश्वर के सामने जो भी रोना या जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी इच्छाएं रखते हैं, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने को हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना सुना वो परमेश्वर आज हमारे लिए सुनता है। हालेलुया, वो हमारे लिए आज भी अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना जो करते हैं वो अद्भुत कार्य उनके जीवन में होता है। अगर हम देखें हन्ना के जीवन में उन्होंने प्रार्थना किया, उनके लिए वो अद्भुत कार्य हुआ। प्रार्थना जो किया पौलुस के जीवन में भी अद्भुत कार्य हुआ। अगर हम वचन संहिता 46 में अगर हम देखें या 66 में हम देखें, उसमें लिखा क्या है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन है कि जो प्रार्थना उन्होंने की है वो कभी भी परमेश्वर उसको दूर नहीं करते हैं। परमेश्वर की दया कभी भी उससे दूर नहीं करते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। हमारी प्रार्थना कुछ भी निरुत्तर के साथ नहीं जाता, लेकिन हमारे सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। अब वो कितनी भी बड़ी प्रार्थना हो, कितनी भी बड़ी विषय हो या छोटा विषय हो, परमेश्वर दूर नहीं करता है। धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया, जो हन्ना का परमेश्वर जो आज भी जीवित है वो आज हमारे लिए प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए निश्चय तौर से आप पूर्ण 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 धैर्य के साथ प्रार्थना करें। शायद आपको बच्चे नहीं हैं तो मेरे प्रिय लोग, अगले समय इस समय अगले समय तक आप अगले साल तक इस समय तक आपको एक बच्चा परमेश्वर देंगे। अगर आपको रोग से आप पीड़ित हैं तो आपको चंगाई परमेश्वर देंगे। नौकरी जिनको नहीं है, अगले महीने इस समय तक आपको नौकरी देकर परमेश्वर आशीषित करेंगे। वही परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए धैर्य के साथ प्रार्थना करें। हमारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती है। हमारा परमेश्वर पूर्ण तरीके से हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसको पूरा करके देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।